अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे पाक। देसी नुस्खे पाक में हकीम आमिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं मर्दाना ताकत, सूरत अंजाल और कमी इंतशार का बेहद मुजर्रब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, घोड़े जैसी मर्दाना ताकत, सूरत अंजाल और कमी इंतशार के लिए बेहद मुजर्रब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनको इंतशार की कमी है, उनकी टाइमिंग नहीं है, ढीलापन है, तो अपनी वाइफ के पास, बीवी के पास जाते ही फारिग हो जाते हैं या फिर उनका नफ्स मुरझा जा जाए, तो उनके लिए बहुत ही मुजर्रब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, नुस्खा नोट कर लें। जायफल, जावित्री, दारचीनी, लौंग, अक्कर करा, असली हर एक चीज़ आपने 25-25 ग्राम लेनी है। बेर बूटी 20 ग्राम, कुश्ता शंगराफ अच्छी क्वालिटी का 12 ग्राम, तमाम अद्वियात का निहायत ही बारीक सफ़ूफ बनाकर 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को हमरा नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कराएं और साथ कोई सफ़ूफ मुगल्लल इस्तेमाल कराएं, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, नुस्खा दोबारा नोट कर लें। जायफल 25 ग्राम, जावित्री 25 ग्राम, दारचीनी 25 ग्राम, लौंग 25 ग्राम, अक्कर करा असली एक नंबर 25 ग्राम और बेर बूटी 20 ग्राम, कुश्ता शंगरा अच्छी क्वालिटी का 12 ग्राम। इन सब चीज़ों का आपने बहुत ही बारीक सफ़ू बनाकर 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं और आपने एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है और साथ में कोई सफ़ूफ मुगल्लज़ भी इस्तेमाल कराएं। तो इंशाअल्लाह ताला, जिनको सूरत अंजाल का मसला है और कमी इंतशार है, मर्दाना ताकत नहीं है, ढीलापन है, टाइमिंग नहीं लगते या उनका नफ्स मुरझा जाता है, अपनी बीवी के पास जाते ही, टच करते ही फारिग हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही नायाब और कारामंद नुस्खा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देसी नुस्खे पाक को देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।